ये हमारे सामने क्वेश्चन है, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट। तो देखिए जो हमारा ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये बेसिकली एक पैराबोला है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसको हम कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो लाइन है, लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये जो लाइन है इस पैराबोला पर टेंजेंट है, ठीक है। तो देखिए इस लाइन की स्लोप और इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है, इसकी स्लोप, दोनों की स्लोप आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c से, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि dy अपॉन dx भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन y, ठीक। तो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक। अब इस y की वैल्यू को हम पैराबोला की इक्वेशन में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन में इसको प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। तो यहां से 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो 2 स्क्वायर और ये 4 कट जाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x भी हमारा आ चुका है, y भी आ चुका है, तो हमें x कॉमा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। तो 1,2 हमारा करेक्ट कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है।